खेसारी जी, आप प्रयागराज आए हैं, आपकी आने वाली फिल्म है लिट्टी चोखा, इसको लेकर क्या कहेंगे और दर्शकों से क्या अपेक्षा है और क्या कुछ इसमें मनोरंजन आपने दिया है और कितना मजबूत होगा इससे जो है जो भोजपुरी सिनेमा है? सबसे पहले इस चैनल, जितने भी हमारे पास चैनल हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट जितने भी चैनल हमारे पास है सबको पैर छूकर प्रणाम। चैनल आप लोग मीडिया प्रभारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आईना की तरह होते हैं, तो हम आपका मैसेज देना लोगों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा का सवाल है, तो लिट्टी चोखा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हम गरीबों का खाना अगर कोई है तो लिट्टी चोखा ही है, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा बेचकर इतना बड़ा हुआ और मेरे जीवन में लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। उसी के पैसे से मैं आज जो भी हूँ, अपने दर्शकों के बीच में मेरा जो भी उपलब्धि है आज उसी के पैसे की वजह से है। तो लिट्टी चोखा जो एक सिनेमा है, तो हमारे प्रदीप शर्मा जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर साहब पराग पाटिल जी जो कि हमारी भोजपुरी भाषा से ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ इन्होंने तीन सिनेमा बनाया और तीनों के अलग अलग करेक्टर इन्होंने डिसाइड किया। और एक तो सिल्वर जुबली हुई, बहुत बड़ी सिनेमा, आज माता बहन बेटी जब देखती हैं उस सिनेमा को तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे भाषा की कोई डायरेक्टर इसको शूट नहीं किया। तो ये एक मराठी होकर और हमारे भाषा को इतना प्यार करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और लिट्टी चोखा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारी आज भी किसान जो आत्महत्या करते हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपनों को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो। आज अगर किसानों को भरपूर चीज़ें मिले तो शायद आत्महत्या करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म, तो खेती का अपना कर्म होता है, तो किसान तो खेती के बदौलत ही अपनी ज़िंदगी में जी रहा है। और मुझे लगता है कि दवाई के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन खाना के बिना हम नहीं जी पाएंगे। हमारे पास अरबों रुपया हो जाए सर, बट हम पैसे खाकर नहीं जी सकते। किसान आंदोलन के लिए भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, किसान आंदोलन अगर उनके हक की लड़ाई है तो हमेशा उनके साथ हूँ मैं और हमेशा साथ रहूँगा, क्योंकि अगर किसान है तो सर आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अगर खेसारी स्टार आज दुनिया के नज़र में है, चाहे खेसारी बहुत बड़ा आदमी है ये दुनिया के नज़र में, तो ये पैसे खाकर नहीं है, ये अन्य खाके है। तो मेरा खेसारी भी नाम है तो किसी अन्य का ही नाम है। खेसारी एक अनाज होता है, दाल होता है, खाने से पेट खराब हो जाता है। कि मैं देखिए चाना की तरह बिक रहा हूँ, मेरा आज उपलब्धि लोगों के नज़र में चाना की तरह है, तो एक खेसारी को लोगों ने चाना बना दिया, एक किसान के बेटा को। तो किसानी कैसे होती है, खेती में कैसे अन्य उपाय उपजाया जाता है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने खेती की है। मैं धान पाँच पाँच बीसा धान अकेले रोप देता था, मैं बुआई कर देता था। भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या कहेंगे, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, भोजपुरी सिनेमा में आज अगर अच्छी सिनेमा बनती है तो उसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी सिनेमा से लोग कट चुके, आज उसका उदाहरण है मेरा सहियारव गिलेना। नोट कोरोना काल में भी मेरे सिनेमा जितनी भी रिलीज हुई सारे कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में एक उपलब्धि देकर आई। नोटबंदी में भी मेरे सिनेमा रिलीज हुए तो उसमें भी एक उपलब्धि आई लोगों की। तो कहीं ना कहीं देखिए पर्सनली लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं आज आपको एक बताता हूँ, 6.5 करोड़ जनता जो बिहार की और यूपी की है वो मेरे से रियल बात करती है, फेस टू फेस मेरे से बात करती है, और मैं उनकी हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मेरे बच्चे ऐसे कुछ हैं जो कहीं भी आपदा हो जाती है तो सिर्फ देखिए कि स्टार बनने से आदमी की उपलब्धि नहीं पैदा होती है, मनोरंजन तो हर आदमी कराता है, लेकिन मैं कुछ अलग काम करता हूँ। मैं लोगों की मदद में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे कोई भी आपदा अगर आती है हमारी जनता पे, तो सबसे पहले नज़र मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। लिट्टी चोखा को लेकर क्या बनेगा? ये किसान आंदोलन की तरह ही है वो सिनेमा, कहीं ना कहीं दुनिया उससे जुड़ेगी। और प्रदीप भैया ने बहुत खर्चा किया उस सिनेमा को बनाने में, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हुई हमें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये लोकेशन पे अगर आपका शूट नहीं हो रहा है और ये लोकेशन सिनेमा के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने बोला और महंगा कर लोकेशन हो तो आप करिए, सिनेमा अच्छा बनाइए। क्योंकि कब तक आ रही है रिलीजिंग डेट? तो अभी शायद नहीं आया है, अप्रैल में रिलीज होगी वो इस महीने के बाद। किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है? बिल्कुल, किसान आंदोलन को समर्थन करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है सर। टेबल पे बैठ के हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, कभी किसान के खेत में जाकर सोचिए तब समझ में आता है कि अगर हम जिंदा हैं तो उसी धान के बदौलत, उसी गेहूं के बदौलत, उसी चावल के बदौलत, उसी दाल के बदौलत, क्योंकि हमारे पास अरबों, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, ये दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना होना
तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अन्न अगर मिले तो शायद आप आजीवन जिंदा रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जे किसान को उसके हक की चीज़ मिलनी चाहिए, और वही कहानी हम लोगों ने लिट्टी चोखा में पिरोया है। और हमारे डायरेक्टर की सोच है, हमारे राइटर राकेश त्रिपाठी जी की सोच है, हमारे पदम भैया की सोच है, हमारे प्रदीप शर्मा जी की सोच है, काजल रखवानी की सोच है, खेसारी की सोच है, उसमें जितने करेक्टर हैं सबकी एक अलग अलग सोच है, सबने अपने विचारधारा को रखा है और हम सबके सुन के काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी साबित होने वाली। आप गायक भी हैं, आज होली का मौका है, क्या सुनाएंगे, क्या गुनगुनाएंगे? बस एक ही गाना चल रहा है सर, क्या बताएं, दो रुपया हो दो रुपया। हर जगह मैं अभी चला गया था, रात को मैं चला गया बनारस अपने भाई के घर पे, और वहीं से मैंने जिधर रास्ते में गया एक ही गाना बज रहा था मेरा, दो रुपया हो दो रुपया। वो गाना इतना पागल किया है कि अब बता रहा हूँ कि एक महीने में 130 मिलियन है वो गाना। गुनगुनाएं जरा हमारे साथ। अभी तो गुनगुनाया जी। एक्चुअली गला मेरा, मैं चार दिन से तबीयत खराब में हूँ और ये पता है, क्योंकि मैं गाऊंगा तो फटे बांस की तरह गाऊंगा। अरे दो रुपया हो दो रुपया, चोली रंगाई दे हो दो रुपया, हो साया रंगाई पौने दो रुपया। आज हर घर में भी ये गाना बज रहे हैं। एक हमारा मस्ती होता है होली का रंग, तो थोड़ा सा तड़क भड़क गाने की कोशिश करते हैं हम लोग की, ताकि सबका एंजॉय भी हो जाए और सब लोग मजा ले ले, तो ये कोशिश रहती है। और आज मैं लगातार, मुझे 7 साल से लग रहा है जो लगातार मैं होली के सारे सॉन्ग मेरे लगातार सबसे ऊपर बजते हैं। आपका बड़ा फेमस सॉन्ग है, नून रोटी खाएंगे छपरा नहीं जाएंगे। सर छपरा नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, तो गाने का भाव था हम छपरा छोड़ के कहाँ जाएंगे। एक्चुअली गाना था वो मजाक था, और मैंने गा दिया नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। सबका डर से हुए हैं फराई, बताइए लड़की लेके भागेंगे तो उस टाउन में क्या करने जाएंगे। वो एक प्रेमी प्रेमिका का संवाद था कि सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के नहीं जाएंगे। हम लड़की लेके भागे हैं सर, छपरा जाएंगे तो कुटा नहीं जाएंगे। और नून रोटी खाएंगे, उसका एक मोहब्बत है कि हम नमक रोटी खा के भी अपने जिंदगी को लेके, सर देखिए इसमें भी रोटी आया था, यहाँ भी किसान था, नमक की बात आए तो वहाँ भी किसान है। हमारे जीवन के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोई हीरो है तो सर किसान ही है। जय जवान जय किसान, देखिए हमारे देश की भी रक्षा अगर हमारा जवान करता है तो कहीं ना कहीं अन्न खा के ही करता है। तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो सर्वोपरि अगर माना जाए तो हमें किसान को मानना चाहिए, क्योंकि किसान अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में कोई भी बड़ा आदमी चांद पे भी जो जाता है वो रोटी खा के ही जाता है। तो हम दुनिया की कोई भी मिशन अगर तय करते हैं तो रोटी खा के ही, चावल खा के ही तय करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में किसान की उपलब्धि सबसे ऊपर होनी चाहिए। खेसारी लाल स्टार पर्दे का हो सकता है सर, लेकिन मुझे लगता है जे रियल जिंदगी में अगर कोई स्टार है और स्टारडम है तो वो किसानों का है, क्योंकि उनके बदौलत ही मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। अभी चार रोटी खा के आया तो आवाज़ निकल रही है सर, रोटी नहीं खाता तो मैं भी लड़वा के ही बोलता। तो मुझे किसानों को लेकर के आप बहुत मतलब एक तरीके से दुश्मन में सरकार, क्या लगता है सरकार नहीं सुन रही है क्या? देखिए सर, सरकार की बातें तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ। मैं सरकार जिस तरह, सरकार मेरे से है, मैं उससे नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पहलू पे काम करना चाहिए, जब उनके सामने थाली में रोटी आती है ना तो सरकार के हर आदमी खाता है सर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, और चाहे कोई भी मंत्री हो सर। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ इसलिए कम मंत्रियों का नाम जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जी, जब सामने थाली में रोटी आती है ना तो एक बार उनको उन किसानों की तरफ देखना चाहिए सर, कि वो किस दर्द से हमारे थाली में वो दो रोटी देने का काम किया है। हमें अगर कोई सरकार किसी किसान के लिए करता है तो सर साल में एक बार करना है उसको, एक बार बिल पास करना है, चाहे कोई भी तकलीफ हो उसको एक ही बार करना है। लेकिन किसान हर दिन अपने पसीना बहा के और आपके लिए सालों भर की रोटी की व्यवस्था करता है। तो हमें लगता है कि हमारे अगर कोई असल माँ बाप है, अगर कोई असल हमारी ज़िंदगी का रक्षक है, तो कहीं ना कहीं वो किसान है, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों की। सरकार के लोग क्या लगता है, नहीं समझ पा रहे देखिए ये तो व्यक्तिगत विचारधारा हो गया कि वो क्या समझते हैं, और कि जब तक नहीं समझेंगे तो हम इतने भी कमजोर थोड़ी हैं सर, हम भी किसान के बेटे हैं, हमने जब तक लड़ना होगा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो जिस लेवल पे हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।